सो व्हाट्सअप टेकीज, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो फीसिबिलिटी के ऊपर बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक और उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया जाए। अब यार, उससे और रिलेटेड का मतलब कि भाई हमारे चैनल पे ना काफ़ी सारे लोग या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर्स भी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि भाई डेटा साइंस में ज़्यादा आ रहा है, जिनको मशीन लर्निंग पसंद है, AI पसंद है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुमको अगर ChatGPT और डेविन जैसे AIs बनाए तो यू नीड अ वेरी गुड कंप्यूटिंग पावर गाइस। तो आप ऐसा कौन सा PC बना सकते हैं इफ यू आर अ रिच बॉय? तो ये वीडियो रिच गाइस के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इसके इस वीडियो में ना सब टॉप नॉच लेवल का ही बात करने वाले हैं। सो गाइस, आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। बेसिकली अगेन, जल्दी कमेंट करके बताओ मेरा वॉलपेपर कैसा लग रहा है। एज यूजुअल मेरे वॉलपेपर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बेसिकली मैं बता दूँ, वॉलपेपर इंजन से लगाए हैं, तो तुम भी देख लेना, स्टीम पे मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यार, आज का ना टॉपिक बड़ा ही तगड़ा सा टॉपिक है। मुझे काफ़ी सारे तुम कह सकते हो कि यार कमेंट आए थे कि भाई यार, वी आर लुकिंग फॉर एन GPU जिसमें भाई हमें काफ़ी अच्छी मशीन लर्निंग हम करते हैं, या फिर हम डेटा साइंस वाले बंदे, लाइक हम डेटा को एनालाइज करते हैं, हम बहुत सारे डेटा पे काम करते हैं, ऐसा ऐसा भाई हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ों के लिए भाई आपका NVIDIA आया है भाई, नाम में यार ये बंदा NVIDIA भाई इतनी AI चिप्स निकाल रहा है, इतना कुछ कर रहा है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ग्लोबली NVIDIA ने जो है आपका AI का मार्केट कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप वो जाके चेकआउट करो, तो इससे जो है आपको आइडिया लगेगा कि भाई NVIDIA किस खेत की मूली है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, मूली तो ठीक है। बेसिकली अब देखो यार, मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम्हें क्यों डिफरेंट GPU चाहिए मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको जुपिटर नोटबुक में अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई हैवी सा मतलब मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, या फिर किसी AI को ट्रेन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्यों अलग सा आपको हार्डवेयर चाहिए? एंड नॉर्मल GPUs और इन ADA GPUs में क्या फ़र्क देखने को मिल जाता है? तो देखो, सबसे पहले बेसिकली ये वाले जो GPU हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA ने निकाले हैं, स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड एंड डिजाइन फॉर योर AI मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। इनमें जो है आपके अलग से हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, और इनकी जो चिप्स हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं पर्टिकुलरली उस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल GPUs जो होते हैं, नॉर्मल GPUs आपके होते हैं ऑप्टिमाइज्ड गेमिंग के लिए, एनवायरमेंट को रेंडर करने के लिए, तो उनकी चिप उस हिसाब से वर्क करती है। और ये वाले जो GPUs होते हैं, ये GPUs होते हैं रेगुलर चलने के लिए, मल्टीपल कैलकुलेशंस करने के लिए और मल्टीपल एल्गोरिथम्स अप्लाई करने के लिए। कुछ ज़्यादा अगर मैं टेक्निकल जा रहा हूँ तो प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई आपको ग्राफिकल पावर चाहिए, अलग से आपको CPU प्रोसेसर चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं आपको NVIDIA इन ग्राफिक्स कार्ड के अंदर इंस्टॉल करके देती है। अब भाई ये ADA का क्या सीन है? तो देखो सबसे पहले ना, इनमें आपको भर भर के विराम देखने को मिलती है, ठीक है। भर भर के विराम इन द सेंस की 32GB GDDR6 ECC भर भर के विराम इसमें आपको इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कंप्यूटिंग करनी है, तो आपको ज़्यादा चीज़ों को मेमोरी के अंदर स्टोर करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए जो है आपको इनमें ज़्यादा मेमोरी साइज देखने को मिलती है। बाकी ये ऑप्टिमाइज होते हैं बहुत ही रेगुलर चलने के लिए, तो आप जो है इनमें से जाके कोई भी बाय कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, अगर आया तो मैं इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए आपको कौन सा ADA सीरीज का GPU लेना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई GPU की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CPU। अब भाई GPU तो हमने ले लिया, अब भाई CPU का क्या करना है, ठीक है। तो भाई CPU भाई आंख बंद करके मैं बताऊँ ना, अब तुम अगर ML और इसके लिए PC बना रही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ स्टूडेंट, या फिर यू आर नॉट मतलब गाय जो कि भाई अकेला काम कर रहा है, नहीं, या तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर आप बहुत रिच से बंदे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं अकेले के लिए बनाऊंगा और सब मैं अकेला करूंगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों के लिए Ryzen का Threadripper, तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राफिकल पावर के साथ साथ CPU पावर भी चाहिए रहती है कुछ कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे जो है आपको Threadripper जैसे CPU चाहिए रहते हैं, जिसमें आपको 64 कोर्स देखने को मिलते हैं। भाई मल्टीपल कोर के ऊपर काम होता है, बहुत प्यारे चलते हैं, 300 MB की इनकी कैच होती है भाई, मतलब 300 MB की कैच, भाई छोड़ो यार मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ 300 MB की कैच, ठीक है। तो Threadripper आपको लगाना है, Threadripper के ADA सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड को आपको प्यार करना है, उसके बाद मजे करो यार, करो तुम्हारा जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने या फिर तुम्हें जो भी करना है, ठीक है, तो वो जो है तुम इस पर कर सकते हो। वेल सर, गाइस आपके कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यार फील फ्री टू आस्क यार, गाइस नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, भर दो मशीन लर्निंग AI के बारे में, क्योंकि वी आर इन अ वर्ल्ड जहाँ पे भाई अब सब कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है बेसिकली। होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।